एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजने वाले हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। मैंने ब्रश भी कर लिया है और मुंह भी धो लिया है। आज है 28 दिसंबर और है मेरे पति देव का बर्थडे। सुबह सुबह ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट डाल ली, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अभी गर्म पानी रख दिया है, पानी गर्म करने के लिए। तो मैं बनाऊंगी पहले कुछ मीठा। ऑयल हो रहा है चीनी वाले, इसमें चीनी डाल रखा है मैंने। तो खाना बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सो उठ के अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना। सब्जी मेरी बन गई है, मुझे रोटी बनानी और हलवा बनाना है। मीठा बना लेती हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मीठा हो जाता है तो मीठा बना लेती हूँ सुबह के लिए। तो अभी फिलहाल मैं बनाऊंगी हलवा, उससे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। बिस्तर मैंने बना लिया, रजाई मैंने वहाँ रख दी है। ये थोड़ा वार्म है इसलिए हम इसको बिछा के रखते हैं रियांश के लिए। तो चलो। तो गाइस, 2023 का ये है मेरा आखिरी ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो न्यू ईयर का आएगा। तो 2023 का ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। इसको ढेर सारा प्यार देना। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि बहुत जल्दी मेरा वॉचिंग आवर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इस ब्लॉग में भी बता रही हूँ। तो बहुत सारा वीडियो को प्यार दिया करो, लाइक शेयर किया करो, चैनल पर जो भी नया आता है सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइबर भी मेरे काफ़ी सही हो गए हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा, रोटी। सब्जी मेरी बन चुकी है, तो मैंने यहाँ पे पहले उठ के ब्रश कर लिया था, मुँह हाथ धो लिया था, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ रियांश भी उठ जाता है हमारे, तो वो परेशान करता है सुबह के टाइम, काम इतना सारा होता है। तो यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने पैन और ये घी। ये घी मैंने खुद से ही थैली वाले दूध से, जो रियांश का दूध लेते हैं हम बफेलो मिल्क, उससे ही बनाया हुआ है। तो ये हमारा घर का खुद का घी है फ्रेश। तो इससे मैं बनाऊंगी अपना सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा घी डाल दिया है। दूसरे साइड में मैंने फ्राई पैन में पानी डाल दिया है। पानी मतलब बॉईल करके डालते हैं सूजी में, तो अच्छा होता है, चीनी डाल दिया। तो यहाँ पे सूजी को मैं फ्राई कर रही हूँ, भुनूंगी मतलब। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी और पानी डाल के फिर इसको पका दूँगी। बन जाएगा हमारा हलवा। सुबह का जो है रूटीन बहुत भागम भाग वाला हो जाता है, तो मैंने बस खाना बनाने तक का ही ब्लॉग कंटिन्यू किया था, उसके बाद का नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है ब्लॉग। अब कई लोग ये सोचेंगे ये कभी भी उठ के ऐसे ही ब्लॉग बना देती है, मतलब कोई तैयार श्यार नहीं होती, मेकअप वगैरह नहीं करती। तो जी नहीं, मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करती और तैयार नहीं होती स्पेशल ब्लॉग के लिए। मैं जैसी कंडीशन में होती हूँ वैसी ही कंडीशन में मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और आगे भी ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और मैं अपनी धनिया काट रही हूँ, बिकॉज मेरा धनिया की चटनी खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर धनिया की चटनी को रेडी करने के लिए धनिया काट लिया, हरी मिर्च डाल दिया, लहसुन को कूटा था तो वो भी डाल दिया मैंने, नमक अपना जो भी डाला था, नमक काला नमक वाइट नमक दोनों नमक डाला था मैंने यहाँ पे। और धनिया की चटनी मैंने ही खाई थी और किसी ने नहीं खाई थी। रियांश को मिर्ची खाना नहीं होती और रियांश के पापा भी मिर्ची नहीं खाते, इसलिए मुझे ये बनानी पड़ती है। मैं मिर्ची खाती हूँ और ये खाना खाने में मिर्ची डालने नहीं देते, तो इसलिए मैंने अपने लिए चटनी बनाई थी। इधर मुझे छींक आ गई थी। तो यहाँ पे हलवा भी मेरा बन के रेडी हो गया, मैंने उसको उतार दिया है। अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो यहाँ पे मैं रियांश के पापा के खाने के लिए और टिफ़िन के लिए रोटी बनाती हूँ और एक पराठा जो है रियांश के लिए बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि रियांश उठ के ब्रश करता है, दूध पीता है, उसके बाद मैं उसे तुरंत नाश्ता दे देती हूँ। आधा पराठा, एक पराठा, जितना भी खाना होता है वो खा लेता है, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ दोनों के लिए। और बाकी आटा मैं बचा देती हूँ जब मेरा काम ख़त्म होता है 10-11 बजे, जितने बजे मेरा काम ख़त्म होता है मैं तभी नाश्ता करती हूँ, नहा धो के, पूजा करके, उसके धूप जोत करके, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, बिकॉज सही लगता है मुझे ऐसा करना। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। यहाँ पे रोटी बन के मेरी हो गई है तैयार। अब मैंने रख दिया चाय, अब कूट रही हूँ। अदरक और रियांश के पापा जो हैं चाय पीते हैं और कंपनी भी लेके जाते हैं। दूसरी साइड मैंने इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, टिफ़िन बांध के दे रही हूँ मैं इनको। और चाय भी है, गर्म पानी की बॉटल है हमारे पास दो, एक छोटी एक बड़ी। तो बड़ी वाली हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं और छोटी वाली हम कहीं इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें ये चाय लेके जाते हैं अपनी कंपनी। सुबह का टाइम जो है ना इतना भागम भाग दौड़ हो जाता है ना कि ब्लॉग क्या अपना, एक दिन मुझे अपना रूटीन ब्लॉग बनाना है यहाँ का, तो वो भी देखती हूँ कब बनेगा। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन के तैयार होगी, तो मैं उसको बाउल में निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने बाउल में निकाल दी सारी, मैंने ही फिनिश करी थी 2-3 दिन में, इन्होंने छुई भी नहीं थी ना रियांश ने। तो हाँ, मैं कहती सुबह का टाइम बहुत भागम भाग हो जाता है, रियांश भी उठ जाता है, तो ये भी सुबह सुबह थोड़ा बहुत परेशान करता है, थोड़ी देर करता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे परेशान। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संगीता नेगी व्लॉग्स में। तो सुबह ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी खाना पीना बनाने की। आज है रियांश के पापा का हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैंने सोचा था घर में खाना पीना बनाऊंगी।
पर इन्होंने सुबह बोला सुबह कुछ मीठा बनाने ला, शाम को देख लेना तुम्हारी मर्जी, बट अभी तक मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी है। ये आ गए ऑफिस से, 5 बज गए पूरे पूरे, 5:01 हो रहा है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, सुबह मैंने मीठा बनाया था, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, ये चले गए थे। मैंने अपना वही डेली रूटीन वाला जो काम होता है वो काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन का पोछा नहीं लगाया, कपड़े नहीं धोए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ को हम कपड़े नहीं धोते और ना ही पोछा लगाते हैं। तो ये तो जी हो गया हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट अब ये आ गए, तो अब मैं बना रही हूँ पहले चाय, चाय बना के हम जाएंगे बाहर। और इन्होंने मुझे सुबह ही बोला था कि शाम को हम बाहर चलेंगे, कुछ खा पी के आएंगे बाहर, तो मैं वहीं के लिए अब रेडी होंगी। और केक लेने में गई थी, पर वो उनके पास सुबह का केक था, तो वो मेरी जान पहचान की है, फ्रेंड है वो मेरी, उन्होंने बोला कि शाम को लेना तुम केक 6-7 बजे करीब, तो फ्रेश केक आएगा तब लेना, तो मैं केक तभी लेके आऊँगी। इनको मैंने नहीं बताया कि मैं केक लेके आऊँगी, केक मैं अपनी तरफ से अपने आप लेके आऊँगी, इनको लेकर नहीं जाऊँगी केक लेने, मैं ही लेके आऊँगी उस केक को। फिर करेंगे हम कट, पहले बाहर जाते हैं। रियान से यहाँ पे खेल रहा है, पता नहीं क्या उल्टे काम कर रहा है। तो पहले हम बाहर जाके आते, तैयार हो जाती, चाय बनाने रख देती हूँ, उसके बाद चाय बनाने रखने के बाद मैं हो जाऊँगी तैयार, फिर हम जाएंगे बाहर से खा पी के आएंगे कुछ, फिर काटेंगे केक। तो चलो पहले बनाते हैं चाय। सो गाइस, चाय बन गई हमारी और हम पी रहे हैं, अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। ये पति देव बर्थडे बॉय, इधर देखो बर्थडे बॉय, कितनी काले लग रहे हो आप। काले लग नहीं थे, काले हो। गाइस यहाँ पे मैं सूट पहन के रेडी हो गई। तो गाइस यहाँ पे हम बाहर जाने के लिए रेडी हो गए। मैंने अपना यही वाला सूट डाल दिया, नया वाला सूट, वो समर्स का है, मेरा डालने का मन नहीं करा, उसकी वैसे भी उसकी फिटिंग होनी है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला, यही वाला डाल लिया। और अब हम जा रहे हैं बाहर। अभी मैंने जैकेट नहीं डाली, जैकेट डालूंगी बिकॉज बहुत ठंड है बाहर। रियांश भी हो गए तैयार, ये नहीं हो रहे तैयार बस अभी तक। चलो सर गाइस यहाँ पे मैंने अपनी जैकेट डाल ली, ये भी रेडी हो गए, इधर देखो ना ये भी रेडी। पीछे रहो बेटा, गिर जाओगे। कहाँ जा रहे हो पहले बताओ, देख ओवर एक्टिंग देख लो इसकी, ओवर एक्टिंग। रियांश सुनो, आपको दादू के पास जाना है, दादू पास जाओगे? हैं हाँ। दादू अच्छे हैं कि गंदे? नहीं अच्छे हैं कि गंदे दादू? अच्छे हैं। और दादी अच्छी है कि गंदी? अच्छी है। और बुआ? बुआ गंदी है? कौन सी बुआ गंदी है, बोबू बुआ, सालू बुआ की बड़ी बुआ? सालू बुआ गंदी है। चलो ठीक है, तो आ जाओ, आई लुकू लुकू, ताला लगा दिया, जय माता दी कर दो। तो जी हम यहाँ से निकल गए और हम सीधा गए मोमोज वाली शॉप पे। मोमोज वाले भैया हैं जो, वो बहुत सस्ते मोमोज देते हैं, पनीर वाले की फुल प्लेट 50 रुपये की, और भी हैं वहाँ पे वो 70-80 रुपये की प्लेट देते हैं, और इनके कुछ खास भी नहीं होते। और जो ये 50 रुपये वाली प्लेट है भैया जो देते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, हम हर बार इनके यहीं से खाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं सच्ची, बहुत डिलीशियस होते हैं, मतलब देखते ही। और एक प्लेट में 2 बंदों का मतलब आराम से हो जाता है, कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ एक प्लेट लिया हमने। इस वाली मार्केट की बात कर रही हूँ, सामने उनका स्टॉल लगता है, अभी आप देखना इनको, तो बहुत ही अच्छे मोमोज देती हूँ। और पूरे मार्केट में इनके यहीं भीड़ रहती है मोमोज की शॉप पे, बाकी किसी के यहाँ भीड़ नहीं रहती, बहुत ही टेस्टी देते हैं मोमोज। तो बहुत छोटा सा ब्लॉग है घर पर आके, उसके बाद हमने केक कट किया था बस, और कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे सिर्फ मोमोज खाए थे और कुछ नहीं खाया था, वो भी पनीर वाला, वेज वाला भी होता है इनके पास, पर हम पनीर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस आ गए थे हम बाहर से और हमारा बन गया खाना। खाने में हमने कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, बनाया है वेज पुलाव, मेरा बहुत टाइम से खाने का मन था तो वो बनाया है। और अब हम काटेंगे केक, केक कट करेंगे बस। कहाँ जाओगे? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही। हमारे 2 चीप गेस्ट आ गए, रियाज के पापा के बर्थडे, मैंने 2 क्यूट से बच्चे बुला रखे हमने, हमारे पड़ोसी हो गए। क्या नाम है आपका? सुनाक्षी। अच्छा आपका सर है ध्रुव? ओ माय गॉड, इसका नाम ध्रुव है, इसका नाम सोनाक्षी है, दोनों भाई बहन है। इनसे छोटा एक भाई है पर वो बहुत छोटा है, वो नहीं आया। और ये रियांश, ये कौन है बेटा? दीदी से हाथ मिला लो, हेलो कर लो।